नमस्कार। शनि महाराज 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। वृश्चिक राशि को इसका क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन दिया गया है वह आपकी चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है, तो यदि आपकी जन्म की चंद्र राशि वृश्चिक है तो यह प्रिडिक्शन आपके लिए है। इतना ही नहीं, यदि आपका नाम वृश्चिक राशि के अल्फाबेट दैट मीन्स न या य के ऊपर है, एन या वाई, तो भी यह प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सर्वप्रथम तो शनि महाराज जो है वह आपकी राशि से फोर्थ राशि में आएंगे, उसका अर्थ ये हुआ कि आपका फोर्थ हाउस, आपका सिक्स्थ हाउस, आपका टेंथ हाउस और आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट रहेगा। अब इस तरह की ग्रह परिस्थितियों को देखते हुए क्या परिणाम मिलेगा वह दर्शाते हुए मंत्रेश्वर मुनि ने यह सूत्र दिया है, वक्रम शनेहे चतुर्थे दुखदायकम, अर्थात ओवरऑल अनप्लेजेंट इवेंट्स ज़्यादा होती है, यह समय एक तरह से चैलेंजिंग रहता है। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ में आपको ओल्ड जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और रेगुलर आपको चेकअप करवाना चाहिए। यदि पिछले कुछ समय से आपकी हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं और यदि आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो याद रहे यह समय आपको इमरजेंसी में अस्पताल जाने के लिए फोर्स करेगा और शायद आपने लंबे समय से कुछ चीज़ों को अनअटेंडेड रखा है तो वो सब चीज़ें सरफेस पर आएगी और आपकी अनप्लान इन इमरजेंसी कंडीशन शायद सर्जरी भी करवानी पड़े। सो हमारी सलाह है कि आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। यदि आपने रेगुलर चेकअप करवाया तो जो बड़ी सर्जरी होने वाली थी वो शायद माइनर स्मॉल सर्जरी से ख़त्म हो जाए। आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, हार्ट, लंग्स एवं किडनी रिलेटेड समस्या में भी आपको ध्यान रखना होगा। और यदि इस ऑर्गन से लेकर ऑलरेडी कुछ समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सजग रहना होगा, आपको कॉशियस रहना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए एक बात तय है कि आपको लक के सहारे नहीं बैठना है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको सुनिश्चित मिलेगा, लेकिन यदि आप लक के सहारे बैठे रहे तो आपको मायूसी मिलेगी, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। आपको पेपर वर्क बहुत ही अच्छी तरह से देखना होगा, अन्यथा किसी अन्य की गलती के कारण आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उस तरह के ग्रह योग है। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो यह समय आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, हालांकि पोजीशन नहीं बढ़ेगी। आपको इस समय के दौरान कुछ ज़्यादा ही अलर्ट रहना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा है। याद रहे इस समय के दौरान आपको आपके इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन को फॉलो नहीं करना है, लॉजिकल माइंड का उपयोग करना है, आपकी इंटेलिजेंस का उपयोग करना है, तो ही आपको नुकसान नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस के साथ मतभेद होने की संभावना है और उसका कारण पिछले कुछ समय से चल रहा है, उन सब चीज़ों को आपने इग्नोर किया है वो है। यदि आपकी वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही है तो हमारी सलाह है कि आपको उसको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए, अन्यथा यह समय आते आते बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। आपके पेरेंट्स के साथ आपको मन दुख हो उस तरह की इवेंट्स क्रिएट होगी, लेकिन यदि आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया तो वह चीज़ें रिजॉल्व भी हो सकती है। आपकी लव लाइफ में ट्रबल आती हुई दिख रही है और यदि आप लक के सहारे बैठे रहे तो शायद जो आपको पसंद था वह व्यक्ति कहीं और चला जाए और ब्रेकअप हो, उस तरह के ग्रह योग भी है। सो ओवरऑल यह समय आपको अलर्ट रहकर, थोड़ा सेंसिटिव होकर आपको हैंडल करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय मिश्र है। जितनी आप मेहनत करोगे उससे
25% कम परिणाम मिलेगा। उसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको 100% चाहिए तो आपको 125% एफर्ट्स डालने होंगे। जो लोग हायर स्टडीज़ का सोच रहे हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट मिले उस तरह के ग्रह योग है। हालांकि जो लोग अप टू ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं या अपनी ही कंट्रीज में पढ़ रहे हैं उन सबको इस समय के दौरान लाभ होगा और जहां पर वह चाह रहे थे वहां पर उनको एडमिशन भी मिल जाएगा। ओवरऑल सेल्फ डाउट क्रिएट हो उस तरह के ग्रह योग है, तो आपको अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखना है और लक के सहारे नहीं बैठना है। अंत में शनि का यह परिभ्रमण आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु, प्रणाम।